हॉलीवुड अभिनेता जेमी हैरिस एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर के संस्कारी प्रशंसकों में से एक हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए जेमी ने फिल्म के बारे में बात की और खुलासा किया कि उन्हें ये बहुत आकर्षक लगी। उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किए गए नृत्य दृश्यों और विशेष प्रभावों की भी प्रशंसा की। आरआरआर देखने के बाद अभिनेता को लगता है कि हॉलीवुड को भी इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। उन्होंने कहा, आखिरी बॉलीवुड फिल्म जो मैंने देखी थी वह आरआरआर थी। मुझे वह बहुत पसंद आई। मुझे जो आकर्षक लगा वह ये है कि फिल्म एक शैली से शुरू होती है और फिर अचानक एक अलग शैली में चली जाती है। नृत्य अनुक्रम, विशेष प्रभाव, यह शानदार था। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है जो हॉलीवुड को अधिक करना चाहिए। आपको पूरी एक फिल्म के लिए एक शैली में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप आरआरआर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पैंतरेबाजी कर सकते हैं। राजामौली की महान कृति को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसने गोल्डन ग्लोब्स 2023 में एक पुरस्कार जीता। इस बीच इसके चार पुस्तक गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर भी जीता। आरआरआर एक काल्पनिक फिल्म है जो दो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। दूसरी ओर आलिया भट्ट, श्रेया सरन और अजय देवगन भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।